आपने देखा ना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आरएसएस ने उनको बना के दिया और 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दे दिया। आज बिहार में ब्राह्मण भूमिहार लाला 8 लाख से कम कमाने वाले लोग गरीब हो गया। आज आपने देखा ना कि जो 75-77 साल में कभी नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया। और ये कैसे हुआ, जब 2018 में गांधी मैदान में रैली करने के समय में जब पार्टी हमने लॉन्च किया था तो यही बगल में 2 किलोमीटर दूर में जब हमने एक सभा किया तो हजारों का हजार संख्या में अररिया के सभी नेता ने वहां पे मजबूती से दिखाया और एक बड़ा संदेश दिया कि संगा पल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और जब आपने ऐसा किया तब पटना से लेकर दिल्ली तक सभी लोगों ने घबराया और वो जानने लगा, पहचानने लगा कि अब बिहार में एक ही नेता है निषाद समाज का, वो है संगा पल्ला और वो हमारे सामने में झुका। आज हमारा 100 दिन के आसपास होने के लिए जा रहा है, लेकिन हम जब 30 दिन ही हुआ तभी से संकल्प यात्रा, तभी से दिल्ली का कुर्सी हिलने लगा, परेशान होने लगा। आज हमें खुशी होता है कि एक मल्ला का बेटा, निषाद के बेटा के डर से देश का प्रधानमंत्री घबरा रहे, ये हमें खुशी मिलता है। और इसी तरीके से एकजुट रहिएगा, साथ रहिएगा तो आपका आरक्षण होगा, और जब आपका आरक्षण होगा तो निषाद का बेटा कलेक्टर भी होगा और SP भी होगा, SDO, BDO, डॉक्टर, इंजीनियर होगा। लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका समाज में बदलाव आएगा। आज मैं इस मुकाम तक यूं ही नहीं पहुंच गया, इसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, तब आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और आप भी अगर संघर्ष कीजिएगा, जो जगह पे हम पहुंच सकते हैं उस जगह पे आप क्यों नहीं पहुंच सकते, आप भी पहुंच सकते हैं। जिस जगह पे लालू प्रसाद यादव जी पहुंचे क्या उस जगह पे निषाद का बेटा नहीं पहुंच सकता, उस जगह पे हम भी पहुंच सकते हैं। सिर्फ जरूरी है कि हमें एकता के साथ रहना, अपने वोट को ताकत को समझना, अपने नेता अपने दल के साथ खड़ा होना। और जिस रोज आप हो जाइएगा उस रोज जैसे लालू प्रसाद यादव जी अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन गया, उस रोज निषाद का बेटा भी अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा। साथियों, बहुत सारे लोग हैं जो आपका दुश्मन है, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा मालिक बने, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए, वो चाहता है कि निषाद का बच्चा हमेशा हमारा गुलामी करते रहे, हमारे खेत में काम करते रहे। ये निर्णय आपको लेना है कि आप आपका बच्चे को गुलामी कराना चाहते हैं कि सर उठा के जीना चाहते हैं, ये निर्णय आपको लेना है। अगर सर उठा के जीना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके बदलाव होगा। तो इसलिए साथियों, हम संकल्प यात्रा के तहत निकले हैं और संकल्प यात्रा में आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम हर हाल में एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए हम अपने नेता अपने पार्टी अपने दल के साथ रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा। अभी 2024 का चुनाव है, एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, ना ही आपको बनना ना ही हमको बनना है। हमें तो आरक्षण चाहिए, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनका फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनका फिक्र नहीं करेंगे। हमने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। इस नारा पे आपको कायम होना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, जो समाज संगठित हुआ है वो समाज देखिए ना कितना आगे निकल गया। जब हमारे यादव भाई संगठित हुए, लालू प्रसाद यादव जी की आवाज पे चलने लगे तो आज देखिए हमारा यादव भाई आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आज उसकी अपनी ताकत है कि नहीं है। वैसे आजकल आपका भी, आपके पंचायत में आपका मुखिया होगा, आपके विधानसभा में आपका समाज का बेटा विधायक होगा, आपका सांसद होगा, आपका दिल्ली में आपका सांसद होगा, पटना में आपका मुख्यमंत्री होगा, तो आपके हक अधिकार की बात करेगा। जब मैं मंत्री बना, कोसी बेसिन एक प्रोजेक्ट था जो खास करके मछुआरा के लिए कोसी में चलाया जा रहा था, 2 साल से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था,
जब हमें पता चला हमने नया 200 करोड़ रुपया देके प्रोजेक्ट को हमने चालू कराने का काम किया, 3 साल का एक्सटेंशन हमने दिया। क्यों हुआ? क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा मंत्री बन गया था। हम जब हम मंत्री बने तो 90% अनुदान का हमने स्कीम बना दिया। अगर कोई मछुआरा, निषाद का बेटा, अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदेगा तो सिर्फ 1 ही लाख रुपया भरना पड़ेगा, 9 लाख रुपया सरकार को भरना पड़ता। हमने ऐसा योजना बनाया। और ये योजना कैसे बना? पटना में हर साल 1,65,000 करोड़ का बजट बनता है, और जब बजट बनता है वो खजाने के पास आपका बेटा, आपका भाई नहीं है, और जब रहेगा तब आपके लिए लेके देगा। और जब मैं उस खजाने के पास पहुंच गया तो मैं सोचने लगा कि अपने लोगों तक कैसे पहुंचेगा, और मैं वही काम करता था जो समाज का हित होगा। आज आपने देखा जाति आधारित गन्ना हुआ है, बिहार में सिद्ध हो गया कि अगर एक नंबर में ओबीसी में अगर सबसे ज्यादा संख्या यादव भाई का है 14%, तो दूसरा नंबर में निषाद का बेटा है जो 10% है। अगर 1,65,000 करोड़ का, 2,65,000 करोड़ का अगर बजट बनता है तो उसका 10% हिस्सा कितना होता मालूम है? 26,000 करोड़ रुपया आपका बजट होता है, और 26,000 करोड़ रुपया आपके पीछे खर्चा होना चाहिए, लेकिन आपका नेता नहीं रहने के कारण 26,000 करोड़ तो छोड़िए, 2600 करोड़ रुपया खर्चा नहीं होता है, यानी कि 600 करोड़ रुपया नहीं खर्चा होता है। 26,000 तो करोड़ तो दूर की बात है, आपका हिस्सा दूसरा लोग खाता है। अगर वहीं पे अगर मजबूत वहां पे बैठे रहिएगा तो आपके हक अधिकार की बात होगा। तीसरे साथियों, अपनी ताकत बनाइए, अपनी वोट को पहचान बनाइए। आज देश में जिसके पास वोट है वही महान है। आपने देखा ना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आरएसएस ने उनको बना के दिया और 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दे दिया। आज बिहार में ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, 8 लाख से कम कमाने वाले लोग गरीब हो गया और उनको 10% आरक्षण मिलने लगा। उनका बेटा कलेक्टर बनने लगा, लेकिन आपका बेटा जो 8,000 रुपया महीना नहीं कमाता है, साल का 1 लाख रुपया नहीं कमा पाता है, लेकिन भारत सरकार के नजरों में वो गरीब नहीं है, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसलिए साथियों, ये बदलाव लाना पड़ेगा। आपने साबित किया ना बिहार में कि मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, राजनीति भी कर सकता है। आपने दिखाया ना, सिर्फ जरूरी है एकजुट होना, पार्टी के लिए काम करना, मेहनत करना, अपने लोगों को समझाना, आने वाला पीढ़ी के लिए बच्चे को पढ़ाना लिखाना, समझाना, एकता के साथ रहना, अपने नेता अपने दल के साथ खड़ा रहना, संगठन के साथ रहना, किसी के साथ अगर गलत हो रहा उसके साथ मजबूती से खड़ा होना, अगर कोई तकलीफ में है तो 10 रुपया उसके पीछे खर्चा करके उसको इलाज कराना, तब जाके ये समाज आगे बढ़ेगा। आज लोग हमें कहता है, किसानी जी आप इतना बड़ा नेता होकर एक जात की बात करते हैं। हम कहते हैं भाई, हम एक जात की बात नहीं करते हैं, हम जो निषाद की बात करते हैं, ये निषाद हमारे लिए कोई जात नहीं है, ये निषाद हमारा परिवार है। मैं अपने परिवार की बात करता हूं, और परिवार की बात करना कोई गुनाह नहीं है। तीसरे साथियों, आप अपने समाज के, अपने घर परिवार के लोगों, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है। उसके लिए आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा? आज तक 75 सालों में कोई आया लड़ने के लिए? नहीं आया, और आने वाला 100 साल तक कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। अगर मैं आया हूं लड़ने के लिए, मैं इसलिए लड़ने के लिए आया कि मैं निषाद कुल में जन्म लिया, मैं निषाद का बेटा हूं और गर्व से कहता हूं सन ऑफ मल्लाह हूं। अगर मैं वही भूमिहार का बेटा होता, ब्राह्मण घर में जन्म लेता, तो क्या आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है। आपने देखा ना, आजाद भारत में पहली बार हमने 4 विधायक बनाया, मंत्री बना अपने दम पर, अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, लेकिन आपका दुश्मन ने क्या किया? आपका विधायक को खरीद लिया, जो सरकार आपने बनाया वो सरकार से आपको बाहर कर दिया। वो देखा कि बिहार में ये निषाद समाज सोया हुआ शेर है, ये तो थोड़ा सा जगा दिया तो आज 4 विधायक बना लिया। अगर पूरा अगर बिहार में निषाद समाज को जगा देगा तो अकेले बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा और मुख्यमंत्री बना लेगा। अगर इस समाज को गुलाम बनाना है तो इस समाज को आवाज को दबाओ। इस समाज का आवाज मुकेश सहनी बन चुका है, और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारा विधायक खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, फिर हमको रोड पे ला दिया। उनको मुझसे तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है।
क्योंकि आज तक आप गुलाम बने हैं, कल आप मालिक बन जाइएगा, उनको यह डर है। आज जब आप मालिक बन जाइएगा तो उसके खेत में कैसे काम कीजिएगा, उनको यह डर है कि जब आप मालिक बनिएगा तो उसके खेत में काम नहीं कीजिएगा। उसको मुझसे तकलीफ नहीं है, वो तो कहते हैं कि सानी जी हमारे साथ आ जाइए, जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, हमारे साथ आइए, अगला मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा 2025 में। वो आ गए हमारे सामने झुक रहा है, लेकिन हमने कहा भाई हम मलाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है, हम अपना झोपड़ी में रहेंगे लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। ये चाहता है कि मुकेश सहनी का बड़ा नाम फेम हो गया, इनको बुला लेते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, और जो कहेंगे वो सुनेगा, और जब नहीं सुनेगा तो इसको हटा देंगे। तो एक तरफ से जात भी गया, एक तरफ से भात भी गया। तो भाई भात जाए तो जाए, जात नहीं जाना चाहिए, जात है तो भात मिल जाएगा। वो सोच रहा है कि पहले जैसा बुड़बक निषाद बहुते नेता हुआ करता था, अपना फायदा के लिए जिधर बोलता था उधर पहुंच जाता था, वही आज भी सोच रहा है। उनको ये नहीं मालूम है कि हम बिहार से मछली मारते मारते बंबई जैसे शहर जाके आ गए, और दुनिया देख लिए हैं कि दुनिया कैसे चलाया जाता है, हमको पता है। इसलिए साथियों सिर्फ आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। जैसे दशरथ मां जी ने कहा था ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वैसे हमने भी संकल्प लिया है जब तक आरक्षण लेने लेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। साथियों चैन से बैठेंगे नहीं। इसलिए साथियों आने वाला समय में चुनाव है, आज हमारे पास वही शक्ति पावर है जो हमसे दोस्ती करेगा। यूपी बिहार झारखंड में 134 लोकसभा सीट है, और जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये ताकत हमारे पास है, सिर्फ जरूरी है एकता के साथ रहना, अपने वोट को ताकत को समझना, और इसके लिए संकल्प करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और बदलाव आएगा। इस साथियों इस देश में जो पैसा से भी बड़ा ताकत जो है वो पावर है। आज आपके पास पावर नहीं होगा ना, थाना पुलिस में मारेगा भी ना कोई जाएगा, तो आप जाइएगा थाना पुलिस जाइएगा ना, थाना में पैसा ले लेगा लेकिन आपका काम नहीं करेगा। वही अगर आपका पावर होगा तो आपको उंगली उठाने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, आपको उंगली उठाने के लिए सोचना पड़ेगा।